बॉलीवुड में एक समय गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ नज़र नहीं आते थे, क्योंकि वो 4 साल तक अपनी शादी की सच्चाई परिवार से छुपा कर रखे थे। मीडिया वालों से उन्होंने छुपा कर रखा था ये सच अपनी शादी का। ये बिल्कुल सच है, गोविंदा से जुड़ा कि अपनी पत्नी सुनीता के साथ 3 बार उन्होंने शादी की। लेकिन क्या आपको मालूम है, गोविंदा जिनकी करियर में काफ़ी परेशानियां आई, गोविंदा जिनकी करियर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से घिरी रही है, आज हम आपको बताना चाहेंगे गोविंदा अपनी पत्नी के साथ कैसे विवादों में रहे हैं। ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन गोविंदा की पत्नी काफ़ी मुसीबत से जुड़ चुकी है। गोविंदा की पत्नी आज भी कृष्णा अभिषेक की वजह से कुछ क्रिटिसिज्म झेल रही है कि वो उनका सम्मान नहीं करती, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, अपनी पत्नी से 49 की उम्र में सुनीता से गोविंदा ने जो शादी की, उन्होंने इस पर कई राज खोले थे। दरअसल गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ जब 90s में फिल्में किया कर रहे थे, तब कहा जाता है कि गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ अफेयर को लेकर बहुत परेशान रहे थे और उनकी पत्नी सुनीता को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। जी हाँ, पंजाबी पिता और नेपाली मदर की वजह से सुनीता बहुत स्टाइलिश सिटी गर्ल रही और गोविंदा बिल्कुल अलग रहे, अलग पर्सनालिटी थी उनकी। पत्नी को लेकर गोविंदा का कहना था बहुत कन्फ्लिक्ट उनकी पर्सनालिटी थी और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती थी हर मैटर पर, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त था जिसके कारण इन दोनों की शादी तय हो गई थी। पहले ये दोनों जब एक दूसरे को देखे, 3 साल हो गया था, कम्युनिकेशन लगातार रहा, लेकिन गोविंदा और उनकी पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत था। इस बारे में गोविंदा ने कहा था कि उनकी माँ, गोविंदा की माँ उनके सपोर्ट में थी, लेकिन सुनीता की माँ गोविंदा के सपोर्ट में नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देसी थे। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी की वजह से उनके रिश्ते में काफ़ी परेशानी आई। सुनीता को बॉलीवुड के सुपर हीरो से शादी के बाद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।